सो गाइस लास्ट वीडियो आपने देखा होगा टेको इलेक्ट्रा का, तो ये ही उसकी छोटी बहन कह सकते हैं जिसका नाम है टेको इलेक्ट्रा साथी, जो कि उससे साइज में काफी ज्यादा छोटी एंड स्पेस में काफी ज्यादा बड़ी है। एज यू कैन सी यहाँ पर आपको एक छोटा सा कंपार्टमेंट आगे मिल जाता है बास्केट, यहाँ पर लेग स्पेस आपको अच्छा खासा मिल जाता है, प्लस यहाँ पर सीट एंड कैरियर है जिसकी फोटो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है एज यू कैन सी। बाकी सारे फीचर जो है मोस्टली टेको इलेक्ट्रा से सेम ही है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक है, जाके देख सकते हो। तो फटाफट आगे से कवर करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रोजेक्टर लाइट विद DRL, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एलॉयज आगे और पीछे में, एंड इस बार यहाँ पर डिस्क ब्रेक आपको देखने को नहीं मिलता है, बट पावर ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेगी। प्लस एक फीचर जो यहाँ पर मिसिंग है वो है किल स्विच का, उसके अलावा मोस्टली काफी सारी चीजें सेम है। तो फटाफट से इसके डैशबोर्ड को हम डिस्कवर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से इसको करता हूँ ऑन। एज यू कैन सी यहाँ पर स्क्रीन आ चुकी है, स्क्रीन में यहाँ पर दिखा रही है पावर, यहाँ पर दिखा रही है बैटरी, यहाँ पर मिलता है आपको तीन गियर्स, यहाँ पर है हेडलाइट कंट्रोल करने का स्विच, यहाँ पर है पासिंग का स्विच, यहाँ पर है इंडिकेटर्स, यहाँ पर है हॉर्न। तो फटाफट से इसको एक बार चला के देखते हैं। प्लस इसमें फिलहाल रिवर्स नहीं है एंड किल स्विच नहीं है, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो फर्स्ट गियर पे जाती है 30, सेकंड पे 40, यहाँ एज यू कैन सी यहाँ पर चेंज हो चुका है, और थर्ड पे जाती है 50। सो लेट्स वो चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ही फन टू राइड व्हीकल है, कलर बहुत प्यारा है। प्लस इस टाइप की जो व्हीकल्स है वो अलग से अट्रैक्ट करती है एंड इजी टू मेंटेन है। तो अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर दी थी इस गाड़ी के बारे में। तो इसमें आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास इस गाड़ी का इंश्योरेंस और हेलमेट होना चाहिए। इसमें भी ब्रेक दबाते ही एकदम से पावर कट ऑफ हो जाएगा, अभी दिखाता हूँ। ये मैंने ब्रेक दबाया और पावर कट ऑफ। प्लस समाओ इसका जो डिजिटल मीटर है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, एंड एज यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा छोटी, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट गाड़ी है। मतलब अगर मैं इसकी साइज़ यहाँ से मेजर करूँ तो मेरी CBR की सीट के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट या शायद उससे भी छोटी ये विड्थ में आपको मिलेगी। प्लस इसके पीछे जो कैरियर आता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ईजी टू मेंटेन है, बैटरी से चलती है, एकदम साइलेंट है। एज यू कैन सी LED इंडिकेटर्स। तो अगर आप यहाँ से सीट खोलेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा इसका छोटा सा बूट जिसमें इसका चार्जर भी रख सकते हैं, और यहाँ पर आपको देखने को मिलती है MCB। तो अगर आप 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए बाहर जाते हैं तो इसको आप ऑफ करके जा सकते हैं, आपकी बैटरी या गाड़ी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फटाफट अंदर चलते हैं और इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं। तो एक बार फिर हमारे साथ ओम गणेश ऑटो से है अजय। तो अजय, ये सारी जो फीचर्स है ये तो मैंने वैसे व्यूअर्स को बता दी है, तो एक बार आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे दो इस गाड़ी के बारे में, जो भी इसका मेंटेनेंस वगैरह का रहता है। सेम व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में आती है, इसमें हमारे पास में सिर्फ कुछ चीज़ें नहीं है, जैसे ऑन ऑफ स्विच इसमें नहीं मिलता है जो कि किल स्विच के रूप में जाना जाता है, और उसके अलावा इसमें रिवर्स नहीं मिलेगा और डिस्क ब्रेक नहीं है। बाकी ये व्हीकल दौड़ने के लिए तैयार है। एंड व्हाट अबाउट कलर्स? कलर इसमें हमारे पास येलो ही है अवेलेबल। ओके, वैसे येलो की स्कीम काफ़ी अच्छी है। तो इसका जो मेंटेनेंस का और बैटरी का इशू जो रहता है उसका क्या कहना चाहोगे आप? वही सेम एज रैप्टर, उसमें 3 साल की वारंटी बैटरी पे भी, 1 साल की मोटर पे और 1 साल की चार्जर पे। एंड एज रैप्टर बात करी थी हमने कि उसमें लाइसेंस और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती PUC की और रजिस्ट्रेशन की, तो उसका इसमें भी सेम केस है? सेम केस है, इसमें भी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की नीड नहीं है, सिर्फ हेलमेट और हेलमेट। ओके, तो इसकी प्राइसिंग क्या पड़ती है वैसे? और इसमें भी 71,000 की पड़ेगी। हाँ, और इसमें भी रेंज वाला फीचर है, मतलब दो अलग अलग व्हीकल्स है रेंज का, सिंगल क्राइटेरिया है जो कि 60 किलोमीटर पर चार्ज रन करेगा। ओके, तो बजट के हिसाब से वैसे इसमें कम दे रखा है ना रेंज का। एक इसकी खास बात ये है कि हम जैसे पेट्रोल व्हीकल यूज़ करते हैं तो उसमें हम 100 रुपये खर्च करके मैक्सिमम 50 किलोमीटर जर्न कर पाएंगे एज पर 2-व्हीलर में। तो और इसी व्हीकल में अगर मैं इसको कंपेयर करूँ पेट्रोल प्राइस में, तो हम इसमें 100 रुपये में अप्रॉक्सीमेटली 600 किलोमीटर जर्न कर पाएंगे। जैसे जैसे हम इस व्हीकल को चलाएंगे वैसे वैसे हम इसका पेट्रोल के वैल्यू में ही हम इसके वैल्यूएशन कम्प्लीट कर पाएंगे। सो आई सजेस्ट यू टू कन्वर्ट योर व्हीकल्स फ्रॉम पेट्रोल व्हीकल टू इलेक्ट्रिक सेगमेंट। तो थैंक यू सो मच अजय, किसी को भी कॉन्टैक्ट करना है तो यहाँ डिस्प्ले पे डिटेल्स आ रही है, आप इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, प्लस मेरे रेफरेंस पे आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। सो थैंक यू सो मच अजय, आई होप आप फ्यूचर में भी ऐसी गाड़ियाँ लाते रहेंगे।